भारत चीन सीमा पर चल रहा डोकलाम विवाद दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। चीनी मीडिया आए दिन भारत को युद्ध की धमकी दे रही है। मंगलवार को चीनी मीडिया ने एक बार फिर नई दिल्ली के खिलाफ जहर उगला। चीनी अखबार में छपे एक लेख में कहा गया कि बीजिंग युद्ध से नहीं डरता। साथ ही चीनी मीडिया ने यह भी कहा कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो भारत को एक गंभीर परिणाम के तैयार रहना होगा। अपने उग्र लेखों के लिए चीन में प्रसिद्ध अखबार हॉकिश ग्लोबल टाइम्स ने भारत पर आरोप लगाया है कि वे 1962 के बाद से बार बार विवाद खड़ा कर रहा है, जिसमें से सबसे ताज़ा मामला भारत चीन भूटान सीमा पर नई दिल्ली का रुख है। अखबार में कहा गया है कि चीन को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए और कभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कार्रवाई कर देनी चाहिए। अगर भारत चीन के साथ उलझता है तो उसे इसके परिणाम के लिए तैयार रहना होगा। इसके साथ ही लेख में चीनी सरकार को सलाह दी गई कि वह डोकलाम क्षेत्र पर और सैनिक भेजे, साथ ही रोड निर्माण का कार्य जारी रखे। गौरतलब है कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब चीनी मीडिया ने भारत को धमकी दी है। इससे पहले भी चीनी मीडिया ने डोकलाम क्षेत्र पर चल रहे विवाद के कारण भारत को कड़ा सबक सिखाने की बात कही थी। उल्लेखनीय है कि बीजिंग भारत चीन भूटान सीमा के पास डोकलाम क्षेत्र में रोड निर्माण कर रहा है। भारत ने चीन के इस निर्माण का कड़ा विरोध किया। इस क्षेत्र पर चीन और भूटान दोनों अपना दावा करते हैं। भारत ने विरोध के पीछे चीन की मंशा को कारण बताया जा रहा है। चीन हमेशा के भारत के कई इलाकों पर अपना दावा बताता आया है। ऐसे में डोकलाम में रोड निर्माण भारत के लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है।